हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, रेडमी नोट 7 प्रो डिवाइस को अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। फाइनली रेडमी नोट 7 प्रो डिवाइस के लिए सभी यूजर्स के लिए MIUI 12 का फाइनल रोल आउट कर दिया गया है। अपडेट का वर्जन आप देख सकते हैं, 12.0.1.0 आपको मिल जाता है। डिवाइस नेम है रेडमी नोट 7 प्रो एंड इस अपडेट के साथ आपको अगस्त 2020 का लेटेस्ट एंड्रॉयड 70 पैच लेवल मिल जाता है और ये अपडेट है एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड। तो आज की इस वीडियो में Redmi Note 7 Pro के इस अपडेट के टॉप न्यू फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको डिवाइस में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड कौन सा फीचर कहां पर आपको मिलता है एंड कैसे अपने डिवाइस में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं जो अबाउट फोन का डिज़ाइन है पूरा चेंज कर दिया गया है। लेआउट आप देख सकते हैं, MIUI 12 का लोगो आप देख सकते हैं, उसको भी चेंज किया गया है। एंड्रॉयड 10 का अपडेट आपको मिल जाता है और 1 अगस्त 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है। और जो स्टोरेज का लेआउट है वो आप देख सकते हैं, इसको भी पूरा चेंज कर दिया गया है। जो एनिमेशंस है आपको कुछ इस टाइप से चेंज देखने को मिलेगी। और जो अपडेट रैप है वो भी आप देख सकते हैं, इसका भी लेआउट चेंज कर दिया गया है। नीचे वर्जन के नीचे आपको व्हाट्स न्यू का ऑप्शन मिलता है, चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी एप्लीकेशन है उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी जो एनिमेशन है पूरी एनिमेशन आपको चेंज देखने को मिलेगी। बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर आप देख सकते हैं, अल्ट्रा बैटरी सेवर आपको मिल जाता है। तो अगर आपके फ़ोन में 5-10% भी बैटरी बची है, आपके पास चार्जर अवेलेबल नहीं है, अगर आप बाहर गए हैं, तो ऐसे में आप अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, 6 एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको ऊपर एडिट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉलिंग के लिए ही यूज़ करेंगे, अगर आप इमरजेंसी में यूज़ करेंगे, तो 5-10% बैटरी पर भी 10-12 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल यूज़ करेंगे तो दोस्तों नॉर्मल बैटरी बैकअप से थोड़ा बढ़िया मिलेगा, लेकिन पूरा वैसा आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जिट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं, बूस्ट स्पीड की जो एनिमेशन है उसको चेंज कर दिया गया है। जो क्लीन मास्टर है रिमूव कर दिया गया है। गेम टर्बो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा आपको यहाँ पर मिल जाता है। और आप देख सकते हैं, जो लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर है MIUI 12 का, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो इसका कंट्रोल सेंटर। तो अगर आपको ये नहीं मिला तो सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है एंड आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट का। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूज़ न्यू कंट्रोल सेंटर, तो अगर आप इसको अनेबल करेंगे तो ये कंट्रोल सेंटर मिलेगा। ऑफ कर देंगे तो वही पुराने वाला MIUI 11 का आपको मिलेगा, तो ऐसे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड किया गया है। डार्क मोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले भी आपको मिलता था, लेकिन दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड का वॉलपेपर है वो आपको लाइट मिलता है, लेकिन अगर मैं इसको ऑन करता हूँ एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड, तो कोई भी यहाँ पर अगर आपका वॉलपेपर है वो यहाँ पर डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे अगर आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करेंगे डार्क मोड को ऑन करने के बाद, तो आपकी आइज़ पर इफेक्ट कम पड़ेगा। शेड्यूल आप कर सकते हैं पहले की तरह, लेकिन एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है इंडिविजुअल एप्लीकेशंस का। तो जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे यूज़ करेंगे, सभी में आप डार्क मोड को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन मिलता है, गेम टर्बो का ऑप्शन है, वीडियो टूल बुक्स का ऑप्शन है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, वीडियो टूल बुक्स आपको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, मैनेज वीडियो एप्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस एप्लीकेशन में आपको इसे ऑन करना है, वो आपको सिंपली यहाँ से एनेबल कर देनी है। तो कैसे काम करेगा वो आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं, फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिलता है, तो ये भी आप देख सकते हैं, सेकंड स्पेस पहले आपको मिलता था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, फ्लोटिंग विंडो यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आपको मिलता है, जो एप्लीकेशन आप चाहते हैं यहाँ पर शॉर्ट विंडो पर ऑन करना, बैकग्राउंड में कोई भी काम आप कर सकते हैं एंड छोटी सी विंडो पर किसी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। सिंपली फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करिए एंड आप देख सकते हैं, जैसे कि मी म्यूज़िक एप्लीकेशन में चाहता हूँ तो कोई भी एप्लीकेशन में ये काम कर जाता है, एक दो एप्लीकेशन को छोड़कर। लाइट मोड आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि फालतू की चीज़ें हट जाए तो लाइट मोड आप ऑन कर सकते हैं, मेन मेन चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार हम वीडियो टूल बुक्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन में हमने इसे ऑन किया था, अभी आप ध्यान से नोटिस करेंगे लेफ्ट साइड में आपको ये स्लाइड मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है, और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को छोटी स्क्रीन पर यूज़ करना, जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ गूगल ड्राइव को, तो आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो के साथ साथ वीडियो टूल बुक्स भी काफ़ी बढ़िया फीचर है और काफ़ी सारे एप्लीकेशन का सपोर्ट इसमें आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आपका जो फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया इस अपडेट के बाद। प्ले स्टोर पर जाइए एंड फाइल मैनेजर को एक बार अपडेट कर लीजिए, थोड़े चेंजेस आपको मिलेंगे।
और दोस्तों एक और फीचर आपको मिल जाता है, यहाँ पर YouTube पर कोई भी सॉन्ग आप चलाइए एंड कोई भी वीडियो चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उसकी वीडियो नहीं देखना चाहते, आप उसका ओनली ऑडियो सुनना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है प्ले वीडियो विद स्क्रीन ऑफ। जैसे कि दोस्तों ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो हमारी चली हुई है, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको एक बार आपको ओके करना पड़ेगा। और गाइस अगर बात की जाए नोटिफिकेशन पैनल के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन स्लाइड में MIUI 12 का नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाता है, जबकि रियलमी UI में। तो दोस्तों ऐसे आप YouTube पर कोई भी वीडियो या सॉन्ग प्ले कर सकते हैं स्क्रीन को ऑफ करने के बाद भी। और कैमरा एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, इसमें भी चेंजेस आपको मिलेंगे। थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बॉक्सेस टाइप यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन में चेंजेस मिल जाएंगे, इनसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और फोटो के लिए फ्रेम भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो लेआउट है लाइनिंग में आपको मिल जाएगा येलो कलर के इसके साथ। और अगर आप जाएंगे यहाँ पर सेटिंग्स में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज़ का, तो साउंड्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आप पिक्चर कैप्चर करते हैं तो कैसा शटर साउंड आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कलर्स का भी ऑप्शन मिलता है, कैसे कलर्स आपको यहाँ पर चाहिए वो भी स्क्रीन पर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कैमरा के अंदर कैमरा मोड्स आप देख सकते हैं। अभी आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर राइट साइड में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड अप करने पर बाकी ऑप्शंस मिले, तो मोर पैनल पर स्लाइड अप का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करिए, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं स्लाइड अप करने पर ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एंड जो ऐप ड्रॉअर है वो आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, बिल्कुल फास्टली काम करता है। और जो टॉगल्स है, अगर आपको एडिट करना है सिंपली इस पर क्लिक करिए, जो टॉगल आपको चाहिए सिंपली प्लस पे क्लिक करिए, जो आपको नहीं चाहिए सिंपली माइनस पे क्लिक करिए, तो ऐसे आप ऐड या माइनस कर सकते हैं, या आपको ऐप होल्ड मिल जाता है पहले की तरह। और जो ऐप की ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन है वो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, उसमें भी थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो नोट्स एप्लीकेशन है, जो फाइल मैनेजर है, एक बारी फिर से आप एनिमेशन देख सकते हैं। और दोस्तों जो नोट्स एप्लीकेशन है, जैसे कि ये नोट्स है, इसमें आपको यहाँ पर थीम का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लाइव थीम्स आपको मिलती है, मूविंग थीम्स आपको मिल जाती है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं अपने फ़ोन में ही, नोट्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर थीम्स मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो सेटिंग्स में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, उसका जो लेआउट है आप देख सकते हैं स्क्वेयर बॉक्सेस में आपको मिल जाता है, तो उसको भी यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया गया है। एंड सेटिंग्स में जितने भी ऑप्शन है सभी का लेआउट में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए गए हैं। और जो सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स का लेआउट है वो भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको चेंजेस मिलेंगे। और अभी आपको होम स्क्रीन में, होम स्क्रीन के अंदर ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपने सिस्टम लॉन्चर को पहले अपने डिवाइस में अपडेट कर लिया था तो आपको ऐप ड्रॉअर का फीचर पहले ही मिल चुका था, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे यूजर्स को MIUI 11 के अंदर ऐप ड्रॉअर का फीचर नहीं मिला था। तो जिनको नहीं मिला था, तो MIUI 12 के साथ ये फीचर आपको मिल जाएगा। आइकन साइज सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इनका लेआउट है आइकन साइज का, उसको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया है। राइट साइड से अगर आप स्लाइड डाउन करेंगे तो कंट्रोल सेंटर आपका ओपन होगा, लेफ्ट साइड से अगर आप स्लाइड डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल आपका ओपन होगा, इनसे आप नोटिफिकेशंस को क्लियर कर सकते हैं। डेट डेट टाइम सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, वेदर्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं, लाइव आपको एनिमेशंस मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लाउडी में क्लाउड्स की एनिमेशन आपको मिलेगी, नाइट में आपको नाइट की एनिमेशन मिलेगी, रेनी सीजन में आपको बारिश की एनिमेशन मिलेगी, थंडर स्टॉर्म में आपको बिजली की एनिमेशन मिलेगी, तो कुछ ऐसी एनिमेशन। एंड जो वेदर एप्लीकेशन है उसको भी थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। और दोस्तों सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हैं कलर स्कीम का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, पहले काम नहीं करता था लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको सेचूरेटेड कलर चाहिए तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड में आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा, ऑटो में आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया कलर मिलते हैं। अगर आपको डिस्प्ले थोड़ी रेड कलर की पसंद है तो इस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्पल ब्लू ग्रीन जैसे आपको चाहिए वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, वार्म कूल कस्टम, तो सब कुछ आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी थीम एप्लीकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें भी आपको कोई खास बड़े चेंजेस नहीं मिलेंगे। जो वॉलपेपर्स आप देख सकते हैं MIUI 12 के 10-15 नए वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे, जो मार्स के वॉलपेपर है, लेकिन जो सुपर लाइव वॉलपेपर है वो आपको नहीं मिलेंगे। शाओमी की तरफ से बताया गया है कि वो ओनली एमुलेट सुपर एमुलेट डिस्प्ले वाले डिवाइसेज में काम करते हैं, तो इसलिए वो ऑप्शंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। एंड जो क्लासिक थीम है उसका जो लॉक स्क्रीन का एंड जो बैकग्राउंड वॉलपेपर है उसको चेंज कर दिया गया है, अभी आपको मार्स का यहाँ पर बैकग्राउंड वॉलपेपर मिल जाता है। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स आपको Redmi Note 7 Pro डिवाइस में MIUI 12 के इस अपडेट के बाद मिल जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे कमाल की वीडियोस के लिए। तो आज की वीडियो हम के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।